नमस्कार, रोटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल का नाम सामने आया है। कैराना से मृगांका सिंह का नाम सामने आया है। थाना भवन सुरेश राणा सामली, तेजेंद्र नरवाल बुढ़ाना और उमेश मलिक। बीजेपी के उम्मीदवार सरदाना संगीत सोमगढ़, मुक्तेश्वर हरिंद्र तेवतिया जेवर, धीरेंद्र सिंह दादरी, तेजपाल नागर खैर, अनूप प्रधान हस्तिनापुर, दिनेश खटिक मेरठ कैंट, अमित अग्रवाल बागपत, योगेश थामा कुल, अनिल पाराशर थाना भवन, सुरेश राणा नोएडा, पंकज सिंह पिठोर, सत्यवीर त्यागी बीजेपी के उम्मीदवार साहिबाबाद, सुनील शर्मा धौलाना, धर्मेश नोएडा से, पंकज सिंह सिकंदराबाद, लक्ष्मीराज सिंह बुलंदशहर, प्रदीप चौधरी सायना, देवेंद्र चौधरी खुर्जा, मीनाक्षी सिंह बरौली, जयवीर सिंह अतरौली, संदीप सिंह कोल, अनिल पराशर। बीजेपी के उम्मीदवार छाता लक्ष्मी नारायण मार, राजेश चौधरी गोवर्धन, मेघराज सिंह मथुरा, श्रीकांत शर्मा बलदेव, पूरन प्रकाश जाटव एतमंदपुर, धर्मपाल आगरा दक्षिण, योगेंद्र उपाध्याय आगरा, पुरुषोत्तम खंडेलवाल आगरा देहात, बेबी रानी रानी मौर्य फतेहपुर सीकरी, बाबूलाल व रानी पक्षालिका। मेरठ के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। सिवाल खास मनिंदर पाल सिंह, हस्तिनापुर दिनेश खटिक, किठौर सत्यवीर त्यागी, मेरठ शहर कमल दस शर्मा, मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, मेरठ दक्षिण सोमेंद्र तोमर, सरधना संगीत सोम। बीजेपी के ये तीन प्रत्याशी हुए रिपीट। नोएडा से पंकज सिंह, कैराना से मृगांका सिंह, सरधना से संगीत सोम और थाना भवन से सुरेश राणा को दोबारा टिकट मिली है। अतरौली से कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी के पहले चरण में 58 सीटों पर वोट होंगे, इनमें से 57 नामों की घोषणा करने वाले हैं। गोरखपुर शहर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराथू सीट से पार्टी उम्मीदवार होंगे। 20 विधायकों का टिकट काटा गया, तकरीबन 20% टिकट कटे, 21 नए लोगों को टिकट मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, यूएफटी लाइव।